मेरे सिकलेट की ग्रोथ ना मुझे ही इतनी पसंद आती है कि मैं क्या बताऊं। सही में यार, अब बिग लॉस, कहीं भी जाता ऐसा हो जाता है। इवन मेरा ये फ्लावर हॉर्न, ये भी जम कर गया। बड़ा बहुत इस ब्लू अकारा, नया तो लाया था, चेक करो। बाप रे, ये रेयर सेंटा क्लॉस ने इतने सारे बच्चे दिए, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग। मेरे वेकेशन पे इसने बच्चे दे दिए। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू असम और वेलकम बैक टू माय होम। और गाइस, इतने दिनों के बाद मुझे एकदम बोलते हुए अजीब सा लग रहा है वेलकम बैक टू माय चैनल करके। तो 11 डेज के बाद गाइस आज आ रहा है फर्स्ट वीडियो, जहां पर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि मेरे फिश रूम में क्या हुआ। मेरे फिश रूम में काफी सारी चीजें हो चुकी है जिससे मैं सैड हूं। एंड टेरेस में तो देखा ही नहीं है, बैकयार्ड पॉन्ड तो देखा है, मतलब बैकयार्ड में गया ही नहीं हूं। एंड प्लस हमारा मॉन्स्टर फिश टैंक, वो भी मुझे आपको दिखाना है। तो चारों का अपडेट देता हूँ और देख लेता हूँ कि क्या हुआ। जो भी हुआ है वो अलग ही केस हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। मैंने सुबह देख लिया, तभी चलो अंदर चलते फिश रूम के पहले और दिखाता हूँ मेरे फिशेस कैसे हैं और बाकी टैंक्स में क्या हुआ है। तो दोस्तों, रूम उतना क्लीन नहीं है, लेकिन जैसा मैं छोड़ के गया था बिल्कुल वैसा ही है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अभी लाइट्स लगाकर आपको मैं दिखाने वाला हूँ सब में, ठीक है। तो ये मेरा रूम था, यहाँ पे सामान मैं ऐसे रख के गया था, कुछ एडिशनल सामान भी आया हुआ है, यहाँ पे कुछ पार्सल भी आया है, मैं बाद में बताता हूँ। तो चलिए पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, बेटा फिश टैंक टावर से। अगर मैं बेटा फिश टैंक टावर से शुरू करूँ, फर्स्ट टैंक जो आप देख रहे हो ये ठीक है, पानी गंदा हुआ है, पानी का लेवल भी कम गया है, क्लीन करना है, फिश भी बिल्कुल ठीक है। सेकंड पे चलते हैं, यहाँ पे ये फिश थोड़ी सी और बड़ी हुई ऐसा लग रहा है 11 दिनों में, पता नहीं। और टैंक का हालत देखो, बहुत गंदा हो गया, एल्गी वगैरह जम गया है, पानी का लेवल भी कम है, बिल्कुल एक्टिव है। एंड देन हमारा ये वाला बेटा भी बिल्कुल एक्टिव है, देख पा रहे हो टैंक थोड़ा गंदा हुआ है, पानी का लेवल कम हुआ है। फोर्थ वाला भी बिल्कुल ठीक है, टैंक गंदा हुआ है और पानी भी कम हुआ है। एंड लास्ट वाला एज यूजुअल ये भी ठीक है, ठीक है। तो हमारा बेटा फिश टैंक टावर को तो कुछ हुआ नहीं है। तो अगर हमारा बेटा फिश टैंक टावर सही है तो प्रॉब्लम कहाँ से हुई है बता दो। चलिए दोस्तों, प्रॉब्लम शुरू हो गई यहाँ से। ये वाले टैंक में आपको याद है हमारा कांपा था, वेर इज माई कांपा, ये बेटा फिश यहाँ पे कैसे आई, टैंक भी गंदा हुआ है, बताता हूँ क्या हुआ इसके साथ। तो गाइज, आप लोग को याद होगा कि मेरे पास तीन फ्लावर हाउस है, राइट। तो उनमें से जो कांपा था ना, उसको हम लोगों ने बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ था और अच्छा ग्रो कर रहा था, मैंने कवरिंग भी लगाया हुआ था, लेकिन भाई ने क्या किया, तीन दिन पहले उसने खाना दिया और कवर को लगाना वापस भूल गया और उसने नेक्स्ट डे जम कर दिया। तो भाई ने जब देखा तब तक वो सूख चुका था, और जब से मुझे इन्फॉर्म किया तो आई वॉज इन दुबई और मुझे इतना बुरा लगा। मैंने नीचे मैकोटिक्स को भी इन्फॉर्म किया, उन्होंने कहा कि डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम टेक केयर करो अच्छे से, और वो बहुत जम भी करते हैं। तो ये बहुत एक्साइट न्यूज़ है। लेकिन आप लोग अभी सोचोगे बेटा फिश कहाँ से आया, बेटा फिश कैसे आया मैं बताता हूँ। बेटा फिश मेरा एक ऊपर था, तो मैंने बोला था टैंक खाली है तो बेटा फिश को भी ट्रांसफर कर दो। तो मैंने अपने हबीब को कहा कि वो टैंक खाली हो गया तो आप बेटा फिश को फिलहाल के यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, मैं आकर देखता हूँ। तो उन्होंने ट्रांसफर तो कर दिया, लेकिन कुछ पता नहीं कि इसकी मौत कैसे हुई है। और देखो किस तरीके से एकदम से फंगस लग गया, इसकी मौत कल रात को हुई है और सुबह आकर मैंने देखा, क्योंकि कल तक ये फिश बिल्कुल ठीक थी। तो नो आइडिया गाइस, ये एक बिग लॉस है मेरा। मूविंग ऑन टू माय सेकंड वाला टैंक, वन फिट का, यहाँ पर फ्राइज तो है लेकिन फ्राइज की कोई ग्रोथ ठीक से हुई नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। 11 डेज में भी वो सेम साइज के हैं, कि मुझे लग रहा है इनको खाना ठीक से मिला नहीं। मैंने एक दो फ्राइज को मरते हुए भी देखा हुआ है। एंड सबसे जो शॉकिंग बात है वो है फीमेल है लेकिन मेल इज मिसिंग, मेल नहीं है। मैंने घर वालों से भी पूछा, उन्होंने कहा कि कहीं जंप भी नहीं किया, शायद वो मर गया होगा, आई हैव नो आइडिया क्या हुआ है। तो ये एक अनदर बिग लॉस है, ये हमारा सिल्वराडो का मेल था, बट फ्राइज बहुत सारे हुए हैं, इवन मेरे बैकयार्ड में भी इनके काफ़ी सारे फ्राइज हैं, बट नो आइडिया वेयर सिल्वराडो इज, उसका मेल कहाँ गायब हो गया, नो आइडिया। और फ्राइज भी बहुत वीक हो चुके हैं, मुझे इनको जल्द से ट्रांसफर करना पड़ेगा, पानी चेंज करना पड़ेगा, देखते हैं क्या करना है। बट टैंक मुझे बिल्कुल सैड कर रहा है, आप यहाँ पे तो देख ही रहे, मैं बता रहा हूँ आपको, इसको भी देखो, ये सभी पानी के इन्फेक्शन से, पानी ना चेंज करने की वजह से अभी तुरंत मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। नीचे आप देख रहे हो थोड़ा बहुत हड्डियाँ बाकी है ना, और ये देख रहे हो ये कौन सा फिश है, आप लोगों को पता है गाइस, 12 दिन पहले गाइस ये दोनों फिश थे जिनको मैंने रिलीज़ किया था, शायद मैंने शॉर्ट्स भी देना भूल गया, एक्चुअली इनको मैं यहाँ पे रिलीज़ किया था और ये महंगे थे थोड़े से, तो ये फिश मेरे पास था नहीं, तो आया था लोकल एक्वेरियम शॉप में, मैंने ले लिया था। दोनों को देखो इतने खुश थे, इतने प्यारे थे, पर आज ये बिल्कुल नहीं रहे। ये बहुत ही कॉस्टली ब्लू अकारा, जी हाँ दोस्तों, मैंने जस्ट जाने के पहले एक शॉर्ट्स डाला था, ये ब्लू अकारा, यहाँ पे एक ब्लू अकारा, दोनों मर गए, काफी महंगा मैंने इन दोनों को खरीदा था लोकल शॉप से। एंड जब ऐसा कुछ होता है तो आप सोचिए आपको कैसा लगेगा, बाकी सारे फिश तो हेल्दी है दिख रहा है, लेकिन ये सबको देखो, इसके आंखें भी देखो, ओह माय गॉड, आई डोंट थिंक ये बच पाएगा, ये बिना पानी चेंज करने के वजह से इस पूरे पानी में जो इन्फेक्शन फैल गया है और
ये सारे फिश सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन मेरी दो ब्लू कारा मर गई एंड आई थिंक ये भी मरने वाली है। इट्स अ बिग लॉस। फोर्थ टैंक, तो यहाँ पे सारे गप्पी सर्वाइव कर रहे हैं लेकिन इनका हालत थोड़ा ख़राब है। ये वाला जब गप्पी देख रहे हो फीमेल, इसमें शायद कुछ तो पैरासाइट म्यूकस वाला कुछ बीमारी आ गया है जिसको मुझे तुरंत ट्रीट करना पड़ेगा पानी चेंज करके। आई थिंक मैं सबको सेपरेट कर दूंगा, मेल और ये फीमेल्स दो है, इसमें एक मेल है। वैसे जिंदा तो है, प्राइस वगैरह कुछ है नहीं, लेकिन ये वाली फीमेल का आप हालत देखो। अच्छा मैं आ गया हूँ और अभी इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा, सेपरेट अभी करना पड़ेगा, ठीक है। और ये मेल भी बहुत ज़्यादा जो है एकदम से स्किनी हो गया है, तो इसको भी थोड़ा बहुत मुझे ट्रीट करना पड़ेगा और यहाँ से मैं हटा दूंगा। तो टैंक्स की हालत ख़राब हुई है क्योंकि पानी चेंज नहीं किया गया है 11 डेज से। अगर ये सभी टैंक्स आउटडोर में होते ना, आई एम टेलिंग यू कुछ भी नहीं होता। इंडोर में होकर, बंद होकर, पानी में इन्फेक्शन होकर पता नहीं क्या क्या हो गया सीरियसली। फिफ्थ टैंक, इसको देख के मुझे खुशी होती है, ये थोड़ा बड़ा हुआ है, इसी के साइज का हमारा दूसरा वाला काम हुआ था और एंड ही और शी व्हाटएवर, मतलब ही था वो, जंप एंड डाइड। और ये तो बिल्कुल ठीक है, इसको सिर्फ एक टाइम खाना मिल रहा है क्योंकि मैं अपने घर वालों को बोल के गया था, मतलब मेरे भाई को, कि खाना सबसे ज़्यादा कम देना, कोई बात नहीं वो सर्वाइव कर जाएंगे, मैं आकर टेक केयर करूँगा, तीन टाइम बिल्कुल मत दो। मैं तो प्लान उनको तीन टाइम दे रहा था पर उसने सिर्फ एक टाइम दिया, फिर भी इसकी ग्रोथ ठीक है एंड अभी भी ये बिल्कुल एक्टिव है, तो चलो ये तो ठीक है यार। चेक करो, बाप रे, लिटरली यार इसका ये, बाप रे, सच में मैं चेक कर रहा था कि ये सही में पूरा एक्टिव है कि नहीं, जैसे मेरे साथ खेल रहा था। ये क्या काट रहा है यार, इसका जो ये फोटो वाला जो पार्ट है ना वो इतना हार्ड हो चुका है, मेरे को लगा यार यहाँ पे नहीं, अब नहीं कर सकते। सारी KML की मैं बोलूँगा कि हमारी KML भी एक्टिव है लेकिन इसका हेल्थ थोड़ा सा देखो, मतलब जिस तरीके से इसको ग्रो करना चाहिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसका टैंक भी छोटा है और खाना भी सिर्फ एक टाइम मिल रहा था, जैसे ही पार्सल आया उसके दो दिन बाद मैं चला गया था। लेकिन अब आप देखना, इसको मैं ऐसा केयर करने वाला हूँ और मस्त इसका हेड ग्रो करवाने वाला हूँ, तो ये भी सर्वाइव कर रहा है और ठीक है। चलो अच्छी बात है हमारी ये दोनों के दोनों फ्लावर हॉल्स बिल्कुल ठीक है। मिंग टू नेक्स्ट, इसमें हमारे ये सारे फिश थे, आपको याद है हमने ये भी रिलीज किया हुआ था, ये हमारे टाइगर बार्ब्स ब्लू वाले सारे सर्वाइव कर रहे, सिर्फ एक मर गया पीछे ना, एक फिश मरा पड़ा हुआ है पीछे की ओर, ठीक है, ग्रीन कलर का है वो टाइगर बार्ड, और बाकी सारे यहाँ पे जिंदा है। मुझे लग रहा है कि इसमें पानी चेंज नहीं हुआ है और प्लस खाना तो पता नहीं कितना दिया गया होगा। एक ही टाइम मैंने बोला था ऊपर पत्ते वगैरह सूख रहे हैं क्योंकि लाइट अच्छे से पड़ी नहीं है, तो ये टैंक को भी मुझे अभी ठीक करना पड़ेगा, पानी वगैरह तो सबका चेंज होगा अभी। इस टैंक को जितना देखो उतना खुश होता हूँ, पफर फिश दोनों के दोनों सर्वाइव कर रहे हैं, देखो अनएक्सपेक्टेड, इनको पकड़े हुए आज 15 से 20 दिन हो चुके हैं एंड हमारे जो भी यहाँ पे पैटिश वगैरह है सब अच्छे सर्वाइव कर रहे हैं, छुपे हुए एक्चुअली पार भी है यहाँ पे, देखिए एक और पैटिश। ओ ये देखो ये कितना ग्रीन है, पापड़ी बहुत हलचल करते हैं, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, हाँ ये देखो इतने एक्टिव पफर फिश है ये दोनों, ये लाइट से डर रहा है एक्चुअली, जो भी मुझे आपको दिखाना है और मुझे खुद देखना है। पफर फिश फ्री में हमने इनको लेक से लिया हुआ है, पकड़ा नहीं है पर हमने लिया हुआ, आप लोगों को याद, अरे पूरा गंदा कर रहा है, चलो ज़्यादा नहीं दिखाता, ठीक है। ये पफर फिश बिल्कुल ठीक है, मैं बाद में आप लोगों को दिखा दूंगा, ये पूरा वो यहाँ पे देखो दोनों एक साथ है, पीछे ब्लैक कलर का है थोड़ा सा एंड एकदम ग्रीन कलर का है, ग्रीन वाला बहुत सॉलिड है, आईज देखो इनके, है ना, मेल फीमेल होंगे तो मज़ा आ जाएगा अगर प्रिंटिंग हो जाएगी यहाँ पे तो। यहाँ पे हमारे सी थ्रू गप्पीज है और वो सब ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब मैंने अभी देखा, ये देखो ऊपर है, ठीक है, फ्राइज तो हुए नहीं है और जितने भी यहाँ पे थे सबके सब ठीक है, देखो वो दोनों फ्राइज बड़े हो रहे हैं, एक यहाँ पे है इसकी फीमेल का भी हो रही, ठीक है ये सब ठीक है, अभी यहाँ पे दिखाने के लिए, अरे ये तो फ्राई है छोटा सा नीचे भी दिख गया मुझे, मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा था कि कोई फ्राइज वगैरह नहीं है। ओ ग्रेट, आप लोगों को वीडियो कसम से, आप लोगों को वीडियो दिखाते वक्त ये मैंने अभी ऑब्जर्व किया, बहुत अच्छी बात है, खाया नहीं है इस बार इन्होंने, चलो बस बड़े हो जाए, कितने फ्राइज है बाद में देखता हूँ मैं। सही में शॉकिंग था यार, पता ही नहीं कि सी थ्रू ने फ्राइज दिए हुए, अच्छा हुआ मेरे पास सी थ्रू के फ्राइज भी कम थे तो वहाँ पे सी थ्रू के फ्राइज आ गए। कुछ फिश आपने देखा कि क्या हालत हुई और बाकी फिश तो फिर भी ठीक है, 11 डेज में कोई टेक केयर कर रहा था मेरा भैया, एक टाइम खाना दे रहा था, फिर भी चलो फिश ठीक है, लेकिन जो गया अब इसका मैं क्या करूँ, वो हमारी भी गलती नहीं है, लेकिन पानी ज्यादातर गंदा होने की वजह से कुछ फिश को इन्फेक्शन हो गया। वाले टैंक में अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे सारे फिश ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई भी फिश मरता हुआ या कुछ नजर नहीं आया, लेकिन पानी जल्दी से आज ही चेंज करना पड़ेगा नहीं तो फिर यहाँ पे भी इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, पानी का लेवल भी कम हो चुका है,
और यहाँ पे मिक्स्ड गोल्डन कप्पीज आप लोगों को पता है, सारे के सारे फ्राइज एंड जो भी एडल्ट है सब ठीक है। ये देखो सब गैंग बना के घूम रहे हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट टैंक पर और देख लेते हैं। पहले आप लोगों को याद होगा ये टैंक हम सेट करके गए थे और देखो कितना प्यारा हो चुका है। ग्रास को देखो, रिवर ग्रास ग्रो कर रहा है, ग्रीन कलर का एक भी जो है मरा नहीं है, पत्ता एक भी सरा नहीं है। जो भी ओल्ड पत्ते हैं उनको निकाल देंगे हम, यहाँ पे फिश रिलीज ही नहीं किया है। आप सोचिए ये ऑलमोस्ट 13 डेज से साइकिल हो रहा है और यहाँ पे हम लोग कौन सा फिश छोड़े, पीएनटा ट्रस सजेस्ट करना। तो ये टैंक तो बिल्कुल ठीक है, प्रॉब्लम कुछ हुआ नहीं है। गोल्ड फिश के लिए थोड़ा सा मैं वरीड था, लेकिन सारे के सारे गोल्ड फिश बिल्कुल सर्वाइव कर रहे हैं और थोड़े बड़े भी हो गए। ये वाला तो बड़ा हो गया, फिर भी इनको एक टाइम खाना मिल रहा है, क्योंकि मैंने जैसे भैया को इंस्ट्रक्ट किया कि एक टाइम खाना देना। अब मैं आ गया हूँ तो प्रॉपरली इनको खाना मिलेगा और बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। प्रोबेबली मैं इनको इंडोर वाले पूल में छोड़ने वाला हूँ, आई डोंट नो, देखते हैं। और ये तो आप देखो कितना बड़ा हो गया, एक ही साथ ये सर्वाइव कर रहा है, इसने अभी तक किसी को कोई हर्ट नहीं किया। ये हमारा गोल्ड फिश का टैंक है जो पानी गंदा हो चुका है और सारे पानी आज साफ करूंगा। दोस्तों आई स्वेयर एकदम अभी आया हूँ, लाइक अभी 11-12 बज रहे हैं और बिल्कुल नहीं देखा है, एकदम एक साथ देखेंगे गाइस। कुछ भी हुआ रहेगा तो पता नहीं, हमारे बैकयार्ड में क्या हुआ है देखते हैं। पानी ओके, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये तो पानी भर दिया, चलो नहीं थोड़ा कम हो गया पानी वैसे। एंड ये सारे प्लांट्स अच्छा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एक बात ये है कि यहाँ पे फिश कितने अलाइव है क्या है समझ नहीं आ रहा है, कोई फिश मरा पड़ा है क्या, कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे फिश फ्राइज वगैरह दिख रहे हैं क्या, हमारे येल्लो जो गोल्डन ऑरेंज कार्प, एक पूरी तरीके से जो प्रेग्नेंट थी, एग्स थे। एक काम करेंगे, ये मैं कल साफ करूंगा ना, तब देखेंगे, ठीक है। बट वो कुछ फ्राइज दिख रहे हैं क्या, समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे होना चाहिए। ओ कितना बड़ा हो गया, ये देखो देखो देखो, ये सब बड़े बड़े फिश है, हमारा गोल्डन कार्प है, अभी देखना पड़ेगा बाकी सारे फिश यहाँ पे अलाइव है या नहीं। चलो ठीक है, ये तो ठीक है, इसमें पानी और भरना पड़ेगा, मैं कल भर दूंगा। अब यहाँ की बारी है, पानी तो बहुत गंदा हो गया यार, क्या हालत बना रखा है, ओ माय गॉड, ये सब क्या हुआ है, कुछ भी किसने क्लीन नहीं किया, पूरा हालत खराब हो गया है, ये तो ओवरफ्लो हो गया ऐसा लग रहा है। गाइस मुझे सब खोल के देखना पड़ेगा, अभी पूरा डाउट हो रहा है कि फिश फ्राइज यहाँ पे है भी या नहीं। अरे यार जैसे मैं रख के गया था वैसे ही है, यहाँ पे ओवरफ्लो नहीं हुआ है, बट आई डोंट नो, पूरा हालत खराब हो गया है, फ्राइज तो बहुत दिख रहा है। चलो एक एक करके पहले देखते हैं कि क्या हालत हुई होगी। तो इतना खुश हो क्योंकि देखो वो वाह क्रोध देखो, ओ ये तो फिर से लोड हो चुके, काफी फ्राइज आने वाले हैं डम्बोयर के, देखो बिल्कुल खुश हूँ यार, एक भी मरा नहीं है हमारा बैकयार्ड का एक भी फ्राई, मतलब कि ये तो एडल्ट थे और ये फ्राइज बड़े हो गए देखो, और लोडेड भी है, और भी होंगे यहाँ पे, चलो इनको रिलीज कर देते हैं। वेरी हैप्पी, फर्स्ट पॉन्ड तो बिल्कुल सही है। अब बस कल यहाँ पे पानी चेंज करने वाला हूँ, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे काफ़ी फ्राइज दिख रहे हैं, लेकिन ये फ्राइज तुम्हारे कलर्स ऐसे क्यों हैं, ये मिक्स हो गए क्या सब, पता नहीं चल रहा है। जो भी है सबके सब फ्राइज बिल्कुल ठीक लग रहे, काफ़ी बड़े हो गए देखो आप, कुछ 11 डेज में इतना ग्रोथ हुआ यार। ये ब्लैक वाले कौन से पता नहीं, सब देखना पड़ेगा। और कहाँ है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, पानी ओवरफ्लो हो गया था शायद, पर नेट की वजह से बच गया। ये देखो ये सब रेड है, छोटे फ्राइज है क्या यहाँ पे, छोटे फ्राइज एक भी नहीं है अभी, और ये सब बड़े हुए हैं। वेरी हैप्पी, सब ठीक है। इन गंदगी को निकाल देता हूँ जो भी है, कल वैसे भी मैं साफ करूँगा, पानी चेंज करूँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है यहाँ पर गंदगी हुआ है, ठीक है। एंड अगर आप ग्रोथ देखो तो ये देखो हॉर्नबर्ड का क्या ग्रोथ हुआ है, ये सब प्लांट्स देखो कितना अच्छा ग्रो कर रहा है अंदर, सिर्फ पानी चेंज करना पड़ेगा। बहुत फिश फ्राइज है, बहुत सारे हैं, सब ठीक है गाइस। इन दोनों को देखो, ये रेड वाले, ओ ये तो पक्का सिल्वराडो के जो फ्राइज है ना, ये दो तो पक्का हुए हैं, थैंक गॉड। यहाँ पे और भी है वैसे, कुछ मिक्स हो गए, लेकिन ये सिल्वराडो के देखो ना फ्राइज, वेरी हैप्पी गाइस, चलो एकदम सक्सेसफुल हो रहा है। ये वाला वही पॉन्ड है, इस पॉन्ड की तो हालत बहुत ही अजीब सा लग रहा है, ये कौन सा है यार, समझ नहीं आ रहा है, फ्राइज वगैरह किधर है,
है फ्राइज है यहाँ पे, देखते हैं रुको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ यार, पूरा गंदा हो गया 11 डेज। कल तो मैं आके साफ करने ही वाला हूँ इन सभी टैंक्स को, पानी भी चेंज करूँगा और फिर साफ हो जाएगा। इतना गंदगी निकला देखो। आई जस्ट कांट बिलीव कि यहाँ पे भी फ्राइज इतने बड़े हो गए हैं। देखो हवा बहुत चल रही है। ओह नाइस, चल रिलीज कर देते हैं। अच्छा बड़े हो गए यार। जाओ भाई चलते हैं दूसरे वाले पे। यार दूसरे वाले का क्या हालत है, फ्राइज है कि नहीं यहाँ पे? ये तो ओवरलोड होके टूटने वाला ऐसा लग रहा है। देखो ये थर्मोकॉल का, कल पानी कम करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे फिश है, पहले मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ। ये देखो कोबरा स्नेक स्किन, नाइस ग्रोथ। ये सारे फ्राइज बड़े हुए हैं, कितने बड़े हो गए 11 डेज में, है ना? मैं इनको हाफ देके क्या था। ये फीमेल अभी लोडेड नहीं है क्या? जो भी है सबके सब जिंदा ही है यार। मैं तो डर रहा था, आउटडोर पॉन्ड है ना तो टेंशन मैं वैसे भी उतना ले नहीं रहा था वैसे। चलो रिलीज करते हैं। ये वाला तो यार इतना गंदा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत फ्राइज है। ये सब देखो, इसमें बहुत सारे ये HP ब्लू के फ्राइज है। हाँ इतने बड़े हुए हैं। ये मैं जब यहाँ से गया था तब ये शायद 2-3 दिनों के थे। इनकी फीमेल्स किधर है, मतलब माँ किधर है? देखो कितने सारे हैं यहाँ पे, अबे बहुत एक्चुअली। तो ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा हुआ है इनका। देखो कितने बड़े हो गए। खाना यहाँ पे नहीं दे रहे थे, यहाँ पे ये मॉस्किटो लार्वा इनसे ही काम चल रहा था। तो भाई ने शायद यहाँ पे एक दिन खाना दिया रहेगा और बाकी सब मॉस्किटो लार्वा से ये ग्रो कर रहे। तो सोचिए गाइस, मुझे तो यहाँ पे कोई खर्चा ही नहीं है। कल इस टैंक को क्लीन करता हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन से, अच्छा यहाँ पे HP ब्लू थे क्या? मैं पूरा कंफ्यूज हो चुका हूँ यार, बहुत ज़्यादा फ्राइज है यहाँ पे। मैंने बहुत बड़ा फीमेल देखा। ये रहा ये रहा ये रहा, एक मिनट, ये प्लांट ख़राब ना हो जाए। एक मिनट गाइस, ओ हाँ सॉरी गाइस, यहाँ पे HP ब्लू है। ये सारे फ्राइज और ये HP ब्लू इसकी माँ। देखो फ्राइज बहुत है यहाँ पे, मैं बस आपको कुछ ही दिखा रहा हूँ। मैं खुद देख रहा हूँ कि कितने ग्रो हुए हैं। ये आई थिंक वैसे लोड हो रही है। बहुत ही फ्राइज है यहाँ पे, यहाँ पे एक बहुत लोडेड है। मैं देखता हूँ उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ये देखो और छोटे छोटे फ्राइज कितने हैं, बाप रे। और ये लोडेड फीमेल देखो, वाओ कितने जो होने वाले हैं अभी बच्चे यहाँ पे। तो कम से कम अभी 50-60 बच्चे आराम से होंगे, और अगर नए भी होंगे तो और भी होंगे। कल मुझे पूरा क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये घूम रही है एक, और यहाँ पे फ्राइज बहुत घूम रहे हैं। तो क्लीन करूंगा ना, तब हम देख पाएंगे कि कितने फ्राइज हैं यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, अभी चौथे वाले पे ना एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे फ्राइज तो दिख नहीं रहे, एंड फीमेल्स किधर है वो भी मुझे दिख नहीं रहा है। अभी वो है भी कि नहीं पता नहीं है। मैंने अभी देखा था एकदम लोडेड, लेकिन अभी तक फ्राइज नहीं हुए। यहाँ पे इतने गप्पी ग्रास मैंने डाल के रखे हुए हैं ना। एक मिनट मैं ट्राई करता हूँ पकड़ने की। चलो एक को तो पकड़ लिया, देखो आई थिंक 1-2 दिन में, ओह अच्छा लोड हो गई है ना। 1-2 दिन में ये पक्का फ्राइज दे देनी चाहिए। ऐसे यहाँ पे दो है, एक और कहाँ है पता नहीं, अब डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। चलो भाई जाओ, यहाँ पे अभी तक फ्राइज आए नहीं है इस टैंक में। मुझे लगा था कि यहाँ पे हो जाएंगे, पर आए नहीं है एकदम भी। यार गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन खुशी इस बात की है कि एक भी फिश तो मरा हुआ मुझे दिख ही नहीं रहा, और अच्छा ग्रोथ भी हुआ है। अभी ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6th वाला टैंक। 6th वाले टैंक में ना सारे प्लैटिनम डम्बोयर के फ्राइज से। ये सब का हालत देखो, ओह मेंढक के बच्चे जैसे ऊपर आ रहे हैं। देखो कितने सारे फ्राइज यहीं पे है, बहुत सारे। मैं इसको साफ नहीं कर पाऊंगा यार, क्योंकि सब फ्राइज आ रहे हैं ऊपर। ये सब बड़े हो गए, ये सब फ्राइज देखो गाइस कितने बड़े हो गए। देखो यहाँ पे ये सारे हमारे, लेकिन ये इसका ग्रोथ थोड़ा स्लो हो रहा है। सब के सब मेहमान आ गए, कहाँ जा रहे हो? बदमाशी मत करो, यहीं पे रहो, ठीक है? तो ये सारे हमारे रेड प्लैटिनम डम्बोयर के फ्राइज है। ये ग्रो कर रहे हैं, लेकिन स्लो ग्रो कर रहे हैं। अभी देखते हैं बाकी सारे। फिलहाल ये सब हमने कवर कर लिया, अब यहाँ पे देखना है। यहाँ पे यार पता नहीं क्या हालत हुई होगी। चलो एक करके देखते हैं पहले जल्दी से। ये तो मतलब मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है, ये वाले फिश फ्राइज दे ही नहीं रहे। लाइक 2 मंथ्स हो गए यार। मैं दिखाऊं इसकी फीमेल को, तो इतनी लोडेड लग रही है। सो देखो इतनी लोडेड है ये, कब से लाइक 2 महीने से मैं इसको देख रहा हूँ। आई डोंट नो, ये पूरा जैपनीज टेल का आई थिंक ब्लू कलर का है ना। हाँ क्यों नहीं बच्चे हो रहे यार, इतना क्यों स्लो, मतलब इनका ये है प्रोडक्शन है, समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल हेल्थी है बट बच्चे नहीं हो रहे,
मैंने एक्सपेक्ट किया था बच्चे होंगे, नहीं हुआ यार, पता नहीं अभी कितने दिनों में होंगे, रिलीज कर देता हूँ। जितना देख रहा हूँ उतना ही खुश हो रहा हूँ एंड शॉक भी, क्योंकि चलो हमारे फिश रूम में जो हुआ यहाँ पे तो उल्टा ही हुआ है और अच्छा हो गया। ये ग्रोथ देखो एंड यहाँ पे इतने सारे फ्राइज है, ओ बाप रे बाप, देखो यार अभी तो मैंने सिर्फ एक कॉर्नर में ऐसा लिया है, बहुत ये सब ब्लैक के फ्राइज है, चेट ब्लैक के फ्राइज, बड़े भी हो गए। ये देखो ये देखो ये देखो, ज़्यादा मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए। हाँ ये देखो, वाह वेरी नाइस ना, सबके सब बढ़िया है। चलो अलग में चलते हैं। चैट ब्लैक के बाद में एक और खुशी की बात यह है कि यहाँ पे क्या है आपको पता है, यहाँ पे सेंटा क्लॉस के फ्राइज दिखाऊं, ये सब देखो, ये शायद मेरे जाने के बाद ही हुआ था इसलिए इतने बड़े हो गए, ये सब सेंटा क्लॉस के फ्राइज है। मैं बहुत खुश हूँ गाइस, आप लोग कॉमेंट करना कि आप लोग ऐसा लग रहा है, मेरे को इतनी खुशी हो रही है क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मतलब इतने बड़े हो जाएंगे और इतने सारे फ्राइज आएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्राइज है, सब नहीं निकाल रहा हूँ। ये देखो सेंटा क्लॉस के फ्राइज है ना, देखो बड़े भी हो गए। आई थिंक सेंटा क्लॉस फिर से लोड हो रहा है, देखो एकदम मस्त फीमेल है ये, देखिए क्या, देखो ब्रदर द सेंटा क्लॉस लुक सो अमेजिंग है ना, फिर से प्राइस देने वाला ये, जा भाई जा, वेरी हैप्पी, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है सच में। मैं थक गया, 1-2 यहाँ पे हमारे 100 से भी ज़्यादा प्राइस थे, भैया ने बोला था ओवरफ्लो हुआ था, लेकिन ओवरफ्लो हुआ फिर भी मुझे लग रहा है एक भी फ्राई निकला नहीं है क्योंकि मुझे हंसी आ रही है रे, देखो ना सिर्फ इतना ही मैंने पकड़ा है, इतने सारे फ्राइज हैं, देखो गाइस कितनी, बाप रे, सिर्फ एक साइड से मैंने उठाया एंड यहाँ पे बहुत सारे हैं, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे 100 से ज़्यादा है, देखो कितने बड़े भी हुए हैं, देख रहे हो फ्राइज एंड यहाँ पे मिक्स फ्राइज है, नियन गप्पीज के फ्राइज बहुत ज़्यादा है, देखो कितने सारे हैं। यहाँ पे हमने देख लिया बहुत सारे फ्राइज, और यहाँ पे है हमारे डम्बो यूज, और ये है हमारे पर्पल बेरी के, यहाँ पे बहुत फ्राइज हो गए, बहुत खुश हूँ मैं, ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, लेकिन इनके ना जो फीमेल्स एंड मेल्स हैं ये बड़े बदमाश हैं, ये फ्राइज को खा जाते हैं, बट चलो यहाँ पे बहुत सारे फ्राइज फिर भी है। अरे भाई देखो यहाँ पे देख रहे हो, सब ठीक है यार बैकयार्ड में, सब के सब ठीक है, और ऊपर से मुझे छप्पड़ फाड़ के एक्स्ट्रा मिल रहे हैं प्राइस यहाँ पे बहुत। चलो रिलीज़ कर देते हैं, हो गया, अब ये बाकी है और ये बाकी है, यहाँ पे भी बहुत सारे फ्राइज है, ज़्यादा नहीं पकड़ूंगा मैं, यहाँ पे पानी थोड़ा कम है, देखो देखो जस्ट देखो आप लोग कैसा लग रहा है गाइस, बहुत सक्सेसफुल हुआ ना एक्सपीरियंस के साथ, सही में मैंने बहुत अच्छा किया इस बार, मतलब मुझे खुद खुशी हो रही है और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और मर भी नहीं रहे, और असम की वेदर भी ऐसा है ना कि मतलब क्या बोलूँ, पानी भी अच्छा है तो अच्छा ग्रो कर रहे हैं। चलो रिलीज़ करते हैं और लास्ट टैंक लास्ट पॉन्ड देख लेते हैं, है लास्ट पॉन्ड, पूरा पानी देखो एकदम, इतने छोटे छोटे फ्राइज हैं यहाँ पे, ये सब शायद कल ही हुए हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं। अच्छा भाई बहुत है बहुत है, क्या करेंगे इन सब फ्राइज का बताइए, इनको बड़े करेंगे एंड वॉट, देखो बहुत है, हाँ मतलब धूप एकदम अजीब, मतलब ये पे पड़ एंगल पे पड़ रहा है, मैं दिखाई नहीं पा रहा हूँ, जो भी है देखा ना आपने, ये सारे फ्राइज हैं, 3 फीमेल्स हैं बड़े बड़े अब नहीं पकड़ता हूँ, और 2 यहाँ पे मेल्स हैं, तो सब कवर कर लिया, सब के सब ठीक है, यहाँ पे सिर्फ फ्राइज आई थिंक कल परसों में आ जाएगा और बाकी के पानी सारा चेंज करना पड़ेगा मुझे। चलो ढक देते हैं और फिर चलते हैं वापस घर। दोस्तों लिटरली मैं बैकयार्ड में अगर खुश हो गया, मेरे फिश सारे के सारे, मेरे जो भी गप्पीस है सब के सब डबल हो गए, सच में मैंने सोचा ही नहीं था, मुझे लगा था कि पानी ओवरफ्लो हो गया होगा, मतलब कि बारिश की वजह से, भैया ने बोला था ओवरफ्लो हुआ भी होगा तो भी फिश निकले नहीं है, सब के सब फिश है, ऑलमोस्ट डबल ही दिख रहे हैं मुझे, और बहुत खुश हूँ, और फ्राइज बहुत बड़े भी हो गए, अब खाना मिलेगा इनको रोज़ थोड़ा थोड़ा करके, वैसे भी यहाँ पे मॉस्किटो लार्वा मिलता ही है। एंड ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये बैकयार्ड मॉन्स्टर फिश पॉन्ड, ये हम लोग कल साफ़ करेंगे इसको, और यहाँ से जितने भी फिश हैं वो निकाल के उठाकर देखेंगे फ्राइज है या नहीं है, हमारे गोल्डन कार्प कहाँ है, 2-2 गोल्डन कार्प इतने बड़े हमने छोड़े थे, सब कुछ कल आएगा, तो कल या परसों, तो स्टे ट्यून्ड गाइस, अभी चलते हैं घर और देखते हैं घर पे कुछ और अपडेट्स।
दोस्तों ये है मेरा मॉन्स्टर फिश टैंक और इसका अपडेट ये देना था कि फिश बहुत बड़े हो गए, आप खुद देख लीजिए, लेकिन पानी बहुत गंदा हो गया है। ऑलमोस्ट 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है पानी साफ किए हुए। आई नो आप लोग मुझे गाली देने वाला अभी, लेकिन प्लीज़ दोस्तों मतलब मैं चला गया था और नहीं टेक केयर कर पाया, लेकिन सब फिश ठीक है। अब कल के अंदर तो मैं साफ़ कर ही दूंगा, 50% पानी मैं चेंज करूंगा, फिर आराम से 80-90% साफ़ कर लूंगा। लेकिन आप फिश की ग्रोथ देख लीजिए, ठीक है, और पानी का लेवल भी देख लीजिए, यहाँ से ना यहाँ आ गया है, इतना सूख गया, मतलब सोचे 1 मंथ से ये क्लीन नहीं हुआ है। फिल्टर्स की हालत अगर आप देखोगे ना, आपको उल्टी आने लगेगी, लिटरली मुझे भी आ रही है, एंड नीचे भी आप देखोगे ना सच में तो। लेकिन अगर आप फिश की ग्रोथ देखोगे, सारे के सारे फिश बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हेल्थी है, हमारा ये भी सब बड़ा हो गया है सब के सब। मुझे ये डर था कि मेरे एब्सेंस में मेरे फिश को कुछ हो ना जाए, क्योंकि ऐसा होता है ना, ओनर को नहीं देखते तो फिश मरते हैं, मैंने बहुत कुछ सुना हुआ है, वैसा होता है और मेरे साथ होता भी है, आपने देखा ये नीचे हो गया, लेकिन यहाँ पे आपने देखा ये सब इतने बड़े हो गए, लिटरली देखिए मेरे हाथ के समान है, यहाँ सबको कैमरे में पता नहीं कैसा दिख रहा, लेकिन ये देखो बहुत बड़े हो गए, ये सब इतने इतने थे, पता है ये तो इतना इतना था, ये इतना था, और मतलब क्या बताऊँ, सबके सब लाइक 1 ईयर हो चुका है इनको, बहुत सारे फिश को यहाँ पे। तो दोस्तों आपने देख लिया मेरे सारे अपडेट्स, टेरेस पे नहीं जा रहा, बहुत गर्मी लग रही है और आकर ठीक से नींद भी नहीं हुई है, मतलब ओवरनाइट हम लोग ट्रैवल करके आए हैं, उसके बाद मैंने ये सब वीडियोस एडिट किया और मतलब शूट किया आप लोग के लिए। तो टेरेस फिशिंग ये सब कल परसों या बैकयार्ड के साथ ऐड करके मैं दिखा दूंगा, लेकिन ओवरऑल आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और क्या करना चाहिए मुझे आप बताना भी, नीचे जाके मैं टैंक वगैरह साफ करने वाला हूँ, तब तक आप वीडियो एंजॉय कीजिए, ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर, कुछ नए वीडियोस लेके जल्दी वापस आता हूँ।